This fall, Barbie stars as the beautiful discovers a magical world. Bar and in order to save their kingdom, can make a difference as they discover Barbie in the Twelve Dancing Princesses. वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल्व डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में, और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन दितम्बर टेन दो हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में काल सीडेंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.8 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना औरवीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेंस जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गम्स और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग एडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गम्स और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टऑन रखा गया था द टोल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस, जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनीमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल में और ओविना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द सितंबर टेन दो हज़ार तेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्ड इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सिलड्रेंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर 2006 हज़ार में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे बॉर्बिन इन द दा ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सिलडस निकोल ऑफिस जेनिफर कॉबनिंगस जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.8 की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना औरबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सीड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टोल डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा 26 मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.8 की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टायल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्ट रखा गया था द टेल्व डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना औरबेना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 2010 को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैंस और स्टारिंग में कायल सीड निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग एडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्ड इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस, जेनिफर कॉबरिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल में और रोबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सीडेंस निकोल ऑफिस जेनिफर कोबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारह डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टैल ने और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रोबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्विन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द सितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में काल सीड्स निकोल ओवि जेनिफर कॉबनिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में, और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनीमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल में, और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्स निकोल ओविस जेनिफर कॉबिन जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनीमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलवींस के रूप में कायल और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप्ट्रॉन और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गम्स और स्टारिंग में कायल सिलड्स निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवेंस के रूप में कायल सैड्रिना रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप्ट्रॉन और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबरिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 2003 को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वैंस और स्टारिंग में कायल सिलड निकोल ऑफिस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा 26 मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.8 की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना औरबेना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वैंस और स्टारिंग में कायल सीडेंस निकोल ऑफिस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना औरबेना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेंस जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैंस और स्टारिंग में कायल सीड निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में, और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैनस और स्टारिंग में कायल सीड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग एडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन 10 2003 को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबरिंग जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा 26 मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.8 की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचर और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल्व डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्विन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्स निकोल ओविस, जेनिफर कॉबरिंगस जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी बी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट्वेल डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रोबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्विन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द सितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आर्नी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट मूवी के रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारह डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.8 की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल ने और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ऑफिस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोल्व डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गम्स और स्टारिंग में कायल सीड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल किचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोल डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रॉबिना के रूप में क्लेर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग एडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबरिंग जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस, जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल और ओविना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप्ट्रॉन और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी बी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा 26 मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.8 की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस, जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में, और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टवेल्व डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में और रोबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में काल सीडेंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड स्वागत करते हैं अपने चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारह डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और ऑटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम मूवी को बेस्टन रखा गया था द ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलविन्स के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सीडेंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड स्वागत करते हैं अपने चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारह डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टों रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल सीडेंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबरिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएँ कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बिन इन द बारह डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टैल ने और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना रॉबीना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टारकास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्विन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन दबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंगस जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में, और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनीमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस बार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल में, और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओवि जेनिफर कॉबिन जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रोबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेंस जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैनस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओविश जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तीन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में। और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड टैल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल और रोबिना के रूप में क्लेर्स ओल्ड हेरबेट बैर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेंस। जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमस और स्टारिंग में कायल निकोल ओविस, जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस पार इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलवेंस के रूप में कायल में और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस, जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हम वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनीमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टायल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द टोवेल डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में काइल कायल और ओविना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड्रंस निकोल ओविस जेनिफर कॉबरिंग जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 निकोला टैंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पस वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को बेस्टऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में, और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सीड्स निकोल ओवि जेनिफर कॉबरिंगस जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द ट डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड स्टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल में और ओबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन दबर टेन दो हज़ार तेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टारकास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में और उन्नीस सितंबर दो हज़ार छः डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद कर फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बी इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.8 की और रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 90 परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टाइल क्रिचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस देम सॉन्ग इस मूवी को बेस्टन रखा गया था द ट्वेल्ड डांसिंग प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए गे हैं गेलवींस के रूप में कायल सैड्रिना औरबेना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बर्निया के रूप में जेनिफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स, जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे बॉर्बिन इन द ट्वेल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटर डांस मूवी थी जिसके बेस्टो रखा गया था निकोला वेट ऑन द टेन 10 हज़ार को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसंस इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्गमैंस और स्टारिंग में कायल सीड निकोल ओविस जेनिफर कॉबनिंग्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे एरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर दो हज़ार छः निकोला टेंक में, और 19 सितंबर 2006 हज़ार छः डी डी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। वेलकम फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बॉर्बीन इन द बारा डांसिंग प्रिंसेस मूवी को अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बॉर्बीन इन द टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज हुई एक एनिमेटर एनिमेशन मूवी है जिसका लेंथ है एक घंटा छब्बीस मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट एट की और ऑटन टमाटो तो तो रेटिंग मिली थी नब्बे परसेंट की इस मूवी को डायरेक्ट किए थे जियर रिचर्ड्स टैल किचन और मूवी को म्यूजिक डायरेक्ट किए थे आर्नी रॉट और इस मूवी का फ्यूचर सॉन्ग है टोवेल डांसिंग प्रिंसेस देम द सॉन्ग इस मूवी को ऑन रखा गया था द टोवेल डांसिंग्स प्रिंसेस पर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में हमें चैप्टर्स दिखाए गए हैं गेलविन्स के रूप में कायल और रॉबिना के रूप में क्लेयर्स ओल्ड हेरबेट बैरनिया के रूप में जेनीफर कोविंग इडलिया के रूप में जैनी लेन्स जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे बॉर्बिन इन द दा टल्व डांसिंग प्रिंसेस जो कि 2006 में रिलीज़ हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड डांस मूवी थी जिसके बेस्टोन रखा गया था निकोला वेट ऑन दितंबर टेन दो हज़ार टेन को रिलीज किया गया था डीवीडी पर इस मूवी को रिटेन किए थे एलिना लेंस ग्रिप और डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्डसन्स इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे सेल वर्ग मैंस और स्टारिंग में कायल सिलड निकोल ओविस, जेनिफर कॉबिन जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे मूवी को एडिटिंग किए थे कॉलिन एडम्स म्यूजिक दिए थे आरनी रॉथ और प्रोडक्शन कंपोज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट मैनी फ्रेम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट मूवी की रिलीजिंग डेट थी तेन सितंबर 2006 हज़ार छः निकोला टेंक में और 19 सितंबर 2006 डीवीडी में मूवी के रनिंग टाइम थे इक्यासी मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश इस मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे और एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा